तो फ्रेंड्स, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर फाइनली और एक न्यू अपडेट आ चुकी है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही वाला अपडेट दे दिया गया है और इसमें बहुत सारे नया चीज ऐड कर दिया गया है। भाई लोग बता के मैं खत्म नहीं कर सकता, इतना सारा चीज ऐड कर दिया गया है। इसी का रिगार्डिंग हमने वीडियो एक बनाया है, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इसमें 1000 लाइक का एम है हमारा, प्लीज 1000 लाइक कर देना और उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट करना हमारा गेम प्ले कैसा लगता है। तो भाई पहले हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन यार्ड, जो कि हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और भाई वो शुभघड़ी आ ही गया आज यार। लिटरली मैं अंदर से इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो वाला जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, आपको बता के समझा नहीं सकता सच में भाई। तो फटाफट चलते हैं वहाँ पर और उस जगह के बारे में पूरा डिटेल्स में खबर लेंगे भाई। और वहाँ पर भाई हम जाने के लिए क्या ले जाए? हाँ भाई, मेरे को याद आया कुछ काम का चीज लेकर जाना चाहिए, जैसे कि हमें आज जेसीपी लेकर जाना चाहिए। तो जेसीपी का चीट कोड है 6677, उसको दबाओ और फटाक से हमारे सामने जेसीपी आ गया। और जेसीपी से थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं क्या हम? भाई आप लोगों को क्या लगता है? जो लोग पहले खेल चुके हो प्लीज कमेंट कर देना कि हम जेसीपी से वहाँ पर काम कर सकते हैं। मेरे को लग नहीं रहा है कि वहाँ पर जेसीपी से काम कर, अगर काम करने का मौका मिला तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गेम प्ले, क्योंकि भाई हम जैसे भी लेकर जाएंगे वहाँ का रॉ मटेरियल को हम जैसे भी से उठा के शिफ्टिंग कर सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। आई थिंक ये गेम वाले जैसे अपडेट कर रहे हैं गेम को, इन फ्यूचर गेम के अंदर ऐसा चीज आ सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन एरिया में जैसे भी ले जाकर वहाँ का लोड अनलोडिंग काम कर सकते हो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। देन और एक बात है भाई, RGS टूल जो है ना हमारा, उसके अंदर बहुत सारे न्यू वर्ड एड हुआ है जिसको टाइप करके हम नया घर बसा सकते हैं, न्यू ट्री प्लांट कर सकते हैं और बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज भाई वीडियो को अंत तक देखना, हाफ में छोड़ के चले जाओगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। और भाई बात करते करते हम फाइनली कंस्ट्रक्शन एरिया पहुंच चुके हैं और पहले तो मैं जेसीबी से ट्राई करूंगा कुछ काम करने का, अगर ना हुई हमसे तो माफ कर देना, अगर हो गया तो भाई प्लीज लाइक कर, भाई मेरे को पता है नहीं होगा तब भी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत मजेदार हो। तो भाई हम आ चुके हैं, ये कोई फ्लाईओवर हो ठीक है, तो पहले फ्लाईओवर के नीचे जाते हैं, शायद इसके ऊपर मेट्रो जाने वाला है इन फ्यूचर, अभी तो नहीं हुआ है लेकिन इन फ्यूचर कुछ होने वाला है। तो हम पहले जेसीबी का स्टैंड को नीचे लगा लेते हैं ताकि जेसीबी हमारा स्टेबल रहे और उसका सामना का बॉकेट जो है उसको भी हम स्टेबल कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो पीछे वाले बॉकेट रहता है उससे हम माटी मतलब मिट्टी को उठाने का कोशिश करते हैं, अगर उठ गया तो अच्छी बात, नहीं उठी तब भी अच्छी बात भाई, क्योंकि हमें काम करना है, थोड़ा बहुत होगा तो होगा, नहीं होगा तो और भी बहुत ज्यादा काम है हमें करने के लिए। तो पहले ट्राई कर लेते हैं। तो हम घूम फिर के आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ मटेरियल पड़ा था उसको बॉकेट में उठाने का कोशिश करते हैं। ओ भाई फाइनली उठ गया बॉकेट में क्या? हाँ भाई उठ गया शायद, पर नहीं यार ये तो ग्लिच था तो हम कुछ भी नहीं उठा बॉकेट में। फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं इधर लाकर डालने के, तो डालने के बाद पता चलेगा कुछ था या नहीं। नहीं भाई सच में बकेट के अंदर कुछ भी नहीं था यार, लेकिन जो भी हो मैं बहुत ज़्यादा बकवास ड्राइवर हूँ, क्योंकि ऐसा अगर गाड़ी चलाया और कंस्ट्रक्शन के जो हेड मैनेजर है उसको पता चल गया मैं कि उसका तेल मतलब डीजल का सत्यानाश कर रहा हूँ तो मेरे को लात मार के नौकरी से निकल देगा ठीक है। और दिस टाइम एक ही आइडिया मन में आ रहा है भाई, गाड़ी को छोड़ो यार यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जब तक मैनेजर आएगा तब तक हम यहाँ से कल्टी मल ले तो हमारे लिए ही अच्छी है, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगा भाई समाज में, भाई मैं ये नहीं चाहता इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई लोग। और ये देखो ये सॉलिड था भाई, मैं इसको उठाने का खामा खा कोशिश कर रहा था यार। तो चलो भाई इसको छोड़ते और मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पूरा सिटी एक्सप्लोर करवाना है, मेरे को मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया एक्सप्लोर करवाना है और साथ में RGS टूल के बारे में बताना है भाई, मेन मुद्दे की बात वही है। तो भाई देखो ये मेट्रो बाद में चलाएंगे हम, पहले आ जाते हैं ये दो वेयरहाउस के बीचों बीच। और ये देखो सामने हमारा ग्रीन कलर मतलब ब्लू कलर का वेयरहाउस, ऊपर थोड़ा सा येलो वगैरह दिया गया है, दो दो वेयरहाउस शायद हमारे इंजीनियर को रहने के लिए यहाँ पर वेयरहाउस बनाया गया है, इसी के काम में आ सकता है। बट और एक देखो यहाँ पर पाइपलाइन भी बिछा दिया गया है, जो कि हम लोगों का घर में नहीं है पाइपलाइन, यहाँ पर डायरेक्टली पाइपलाइन आ चुका है सी से पूरा। और यहाँ पर पांच गैस टैंक भाई, ईंधन के लिए गैस टैंक जरूरी होता है और पांच गैस टैंक है। और यहाँ पर एक पूरा का पूरा बड़ा वाटर टैंक बिठा दिया गया है जिससे ये लोग पानी का मतलब पानी का फुल फिलअप कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेयरहाउस साइट। और ये बंदा हमारा ऊपर क्यों चढ़ जाता है और गिर भी जाता है क्यों यार, मेरे को पता नहीं यार, इसको कोई समझाओ भाई, ऐसे नहीं चढ़ते और ऐसे नहीं गिरते यहाँ से। लेकिन जो भी हो फॉर दिस टाइम ये हिलाप हो गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और उसको छोड़ के हम आगे पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट एरिया, तो जहाँ पर हम तीन फ्लैट को नया होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर पूरा नीचे से सिर्फ काम होता जा रहा है, ये काम चालू है फिलहाल के टाइम, बाद में कुछ देर बाद ये कंप्लीट हो ही जाएगा भाई, जैसे अपडेट हो रहा है ये सब कुछ रेडी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो भाई सिटी को मतलब हमें जो नया कंस्ट्रक्शन एरिया को प्लीज़ दिखाने दो थोड़ा सा, क्योंकि ये भी नया ऐड हुआ है, हमें तो बहुत एक्साइटेड में हो रहा है इसीलिए हम बता रहे हैं, बुरा मत मानना आप लोगों को, आप लोगों को बताएंगे भाई RGS टूल के बारे में, प्लीज़ आप लोग छोड़ के जाना मत। तो भाई ये बात करते करते मैं थोड़ा हड़बड़ी में कूद गया और मेरा थोड़ा सा हिल डाउन हो गया, बट छोड़ो इसको छोड़ते हैं, ये बच गए हमारे लिए अच्छी बात है। और ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया के पास फिर से रॉ मटेरियल पड़ा है और ये बगल में एक देखो
खड़ा है बड़ा सा लिफ्टिंग, मतलब ये क्या होता है, क्रेन होता है, हाँ शायद रॉ मटेरियल को ऊपर लिफ्ट कराने के लिए क्रेन बैठा रखा है। तो बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग, आप तक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लो भाई, थोड़ा कम MB का अपडेट आया, बहुत जल्दी हो जाता है, आप लोग कर लो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन वीडियो कंप्लीट करके जाना क्योंकि सब कुछ पता चलेगा आपको उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर और एक रैंप बनाया गया, रैंप नहीं भाई, ये शायद रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग, आप लोग गाड़ी को लाकर रेसिंग कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वैसा कुछ मेरे को लग रहा है, उतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं, लेकिन शायद गाड़ी को लाकर रेसिंग करने के बाद पता चल जाएगा, आप लोग भी कर सकते हो, बहुत फन होगा यहाँ पर। तो लिटरली भाई मेन मुद्दे वाली बात करने के लिए हम आ चुके हैं, जिसके लिए हम बहुत देर से उत्सुक थे आप लोगों को बताने के लिए, वो टाइम आ गया। और अभी हम मोबाइल को निकलवाते हैं और यहाँ से जस्ट RGS टूल को निकलवा के यहाँ पर लिखना है हमें H1, और उसके बाद इसको राइट क्लिक पे क्लिक कर देना है। तो देखो भाई H1 लिखने के बाद हाउस 1 आ चुका है हमारे पास। सो गाइस लिटरली अपडेट के बारे में तो थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये RGS टूल के बारे में नहीं पता था हमें। यहाँ पर इतने सारे चीट कोड आएगा और ये घर को हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था किसी को। और ये बूम आ गया और हमें इतना खुशी है, मैं बता नहीं सकता भाई, हम तो बहुत ज़्यादा खुश है। आप लोग कितना खुश हो भाई बता देना कमेंट करके। और भाई इसके साथ साथ हम इसको अपने मनचाहे जगह पे हम मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, उसके मतलब RGS टूल में जाना है और वहाँ पर लिखना है MOD मोड लिखना है और ऑन कर देना है। मोड ऑन करके आपको जहाँ भी जी चाहे वहाँ पर आप लेकर जा सकते हो। उसके साथ साथ और एक नया ऐड कर दिया गया, आप T1 लिखो तो T1 से आप ट्री भी लगा सकते हो। तो छोटा सा ट्री हमने लगा दिया और यहाँ पर मोड ऑफ कर दिया ताकि हम इसको इधर का उधर ना हो जाए, तो हमने ट्री को भी लगा दिया। देखो कितना प्यारा ट्री, घर अगर आप लगाओ घर के सामने एक ट्री लगा देना चाहिए ताकि आप सुबह शाम निकल के थोड़ा सा खुली हवा ले सको, ठीक है। तो T1 और House 1 हमने सेटअप कर दिया। उसके बाद House 2 के बारी है, जो कि हमने House 2 को भी मंगा लिया है इस टूल लिख के। बस कुछ नहीं लिखना है भाई, RGS टूल के अंदर आपको लिखना है H और 2 लिख के डन कर देना है। उसके बाद आपको राइट क्लिप पे क्लिक कर देना है, उसके बाद वो घर आ जाएगा, स्पॉन हो जाएगा आपके, आप जहाँ पर हो वहीं पर स्पॉन हो जाएगा। और उसको मूव भी कर सकते हो आप, जहाँ मतलब आप 1 किलोमीटर दूर भी उसको मूव करके ले जा सकते हो, ठीक है। तो हमने ये घर को थोड़ा सा साइड में लाकर लगाते हैं और उसको मोड ऑन करके दिखाते हैं, ऑफ करके दिखाते हैं। देखो हमने मोड ऑन करके उसको मूव किया था, ऑफ कर दिया और ये घर पूरा सही सलामत सेटल हो गया यहाँ पर। तो उसके सामने एक घर 2 के सामने एक H मतलब T2 लगाते हैं। देखो T2 भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है उससे, तो T2 लिखो यहाँ पर और RGS टूल के अंदर राइट क्लिक कर दो। देखो बूम गाइस, ये और एक T2 आ गया हमारा, तो घर के सामने T2 भी हो गया। और अभी के टाइम देखो दो घर के कंपेरिजन, दो ट्री को देखो, थोड़ा बहुत छोटा है 1 वाला और 2 वाला थोड़ा सा बड़ा है। और इस ट्री के ऊपर आप चढ़ भी सकते हो, थोड़ा सा मैं याद नहीं आ रहा है, शायद यही वाला ट्री है जिसके ऊपर हम चढ़ भी सकते हैं। तो इसके ऊपर चढ़ के ट्राई करेंगे अगले वीडियो में। और देखो जैसे हम H3 ड्रायल किए, उसके बाद देखो घर आ गया और एक रेड कलर का, जो कि सब कुछ आप बड़े आराम से कर पाते हो, ठीक है। तो बस भाई और भी बहुत ज़्यादा चीट कोड आया है RGS टूल के अंदर, सब कुछ मैं कवर नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, माफ़ कर देना मेरे को। अगले वीडियो में हम डिटेल्स में बनाएंगे हर किसी के बारे में और उसमें सब कुछ पता चलेगा। जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा माफ़ कर देना भाई लोग। और यहाँ पर T3 भी हमने ला दिया है, देखो ट्री मतलब घर के 3 नंबर घर के पास 3 नंबर ट्री भी आ गया है। देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे करके आप H10 तक क्लिक करते जाओ, 10 नंबर तक घर आता जाएगा। और H10 के बाद ट्री को 5 नंबर तक ला सकते हो आप, शायद उसके बाद नहीं जा सकते, ठीक है। तो बस आप लोगों को डिटेल्स में तो हम दिखा रहे हैं और लास्ट डेमो के लिए H10 दिखा रहे हैं। हम H10 करके एक घर को बुलाते हैं, जो कि ये वाला घर होने वाला है, थोड़ा क्लोज जाते हैं हम। देखो भाई H10 का ये घर है और इसको बैठाते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा मोड ऑन करते हैं और ऑन करके थोड़ा सा इसको मोड ऑफ कर देते हैं थोड़ा सा इधर लाकर। और उसके बाद ये हो गया खत्म, हमारा घर रेडी हो चुका है। और लास्ट वाला हमारा ट्री जो था, T4 लाते हैं, ठीक है, T4 को लाते हैं। और अबे यार ये तो घर के अंदर घुस गया, थोड़ी मैं क्या कर दिया भाई, इसको मूव करने जाऊंगा तो घर मूव हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं भाई, इसको यहाँ पर रहने देते हैं और एक ट्री को बिठा देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर और एक ट्री को बुलाएंगे T4 करके, तो T4 करके ये सामने ट्री, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, देखो भाई आ गया, जो कि ये जुरासिक पार्क के अंदर दिखाया जाता है ग्लोइंग ट्री, ये है T4 का ट्री। तो ये भी सेटल हो गया हमारा। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 9 मिनट का वीडियो हो चुका है और ज़्यादा बड़ा करूँगा तो आप लोग बोरिंग होकर छोड़ के चले जाओगे भाई लोग, ठीक है। तो भाई आप तक तो वीडियो आप लोग देखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट करो हमारा गेम प्ले कैसा लगता है और हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है, गेम प्ले बारे में। और बस लाइक कर देना हमारे वीडियो में, 1000 लाइक कायम रखते हैं इस बार, प्लीज़ यार एक गरीब को मदद कर दो भाई क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए गेम प्ले इतना ही भाई, मज़ा आया तो प्लीज़
वही सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।